हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम घर पे बिल्कुल बाजार जैसे स्वाद में बना के तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। इसे आप घर के लिए तो बनाते ही हैं, कभी भी आप किटी पार्टी रखिए या बच्चों की बर्थडे पार्टी रखिए, इसे बनाना बहुत आसान है और सभी इसे पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम पापड़ी चाट बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्लेट लेंगे और इसमें घर की बनी हुई ये पापड़ी सबसे पहले रखेंगे। तो जितना पापड़ी आपको बनाना है उतना प्लेट में रख लीजिए। हम तो 5 पापड़ी का बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा आलू, जिसे हमने उबाल के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रखा है। ये आपने पसंद के अनुसार डालिए, थोड़ा कम ज़्यादा। अब हम इसके साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक काट लिया है। तो ये चटपटा बनाने के लिए मिर्च डाला जाता है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही, क्योंकि ये दही पापड़ी चाट है, दही गाढ़ी होनी चाहिए। दही में हल्का सा शक्कर डाल के फेंट लेना है और पापड़ी के ऊपर हम ऐसे दही डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चाट तैयार होता है। तो हमने दही डाल लिया। अब हम इसमें चटनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हरा धनिया की चटनी डालेंगे। अब हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे। तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही खट्टी मीठी इमली की चटनी डालिए। ये सारे रेसिपी हमारे चैनल पे हैं, आपको देखना है तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब हम डालेंगे इस पे नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि पापड़ी में भी हम नमक डाल के ही बनाते हैं और चटनी में भी नमक रहता है, तो सब समझ के हमें नमक डालना है। अब हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ज़्यादा तीखा है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कम तो कम कर लीजिए। थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और सबसे लास्ट में हम चाट बना रहे हैं पापड़ी चाट, तो इस पे चाट मसाला डालेंगे। इससे बहुत ही ये चटपटा हो जाता है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा सेव, इससे स्वाद बढ़ जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। और फाइनली हम हरा धनिया से इसे सजा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पापड़ी चाट बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये लाजवाब होता है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।